ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं बीमा अर्थात इंश्योरेंस के बारे में। बतला रहे हैं आपको अपने इस वीडियो में कि बीमा क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बीमा क्या है अर्थात व्हाट इज इंश्योरेंस। बीमा अर्थात इंश्योरेंस का अर्थ होता है दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भी एक कंपनी आपके किसी भी प्रकार का नुकसान, बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु में आपको मुआवजा देने की गारंटी देता हो। वैसे तो इंश्योरेंस अर्थात बीमा मदद करता है हर दुखद घटना के बाद, पर यह हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आज के इस भीड़ भाड़ वाले जीवन में कब क्या हो जाए किसको क्या पता। ऐसे में अगर आपने अपने मूल्यवान चीजों का इंश्योरेंस अर्थात बीमा सही तरीके से किया है दोस्तों, तो यह आपके लिए एक बैकअप हेल्प के जैसे काम करता है। और चलिए बात करते हैं अब कि बीमा कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों पहला बीमा है जीवन बीमा योजना। दोस्तों जीवन बीमा योजना में एक निर्दिष्ट मूल्य जमा करके पॉलिसी किए गए व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उस व्यक्ति के पॉलिसी के नॉमिनी को किए हुए पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार पैसे दिए जाते हैं। यह पॉलिसी लोग अक्सर अपने परिवार के लिए छोड़ जाते हैं क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग इस पॉलिसी को अपनाते हैं ताकि उनके जाने के बाद भी उनके परिवार को कुछ हद तक पैसों के मामले में मदद मिल जाए। दूसरा है दोस्तों दुर्घटना बीमा योजना। दोस्तों दुर्घटना बीमा योजना अर्थात एक्सीडेंटल पॉलिसी में भी आप एक निर्दिष्ट मूल्य जमा करके पॉलिसी किए हुए व्यक्ति के दुर्घटना हो जाने पर उस पॉलिसी होल्डर को चोट लग जाने या विकलांग हो जाने पर किए हुए पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार अस्पताल का खर्चा या मृत हो जाने पर राशि दी जाती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी का सबसे बड़ा लाभ यह है दोस्तों कि इसमें आपके दुर्घटना हो जाने पर आपको किसी भी प्रकार का खर्च नहीं उठाना पड़ता। इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी आपका सारा खर्चा उठाती है, पर अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग टर्म्स होते हैं जिन्हें पढ़कर ही पॉलिसी करना चाहिए। इसलिए कोई भी पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस करने से पहले उसके टर्म और कंडीशन को आप सब ध्यान से पढ़ लीजिए। तीसरा है दोस्तों चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा योजना। दोस्तों चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा योजना अर्थात मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस में भी आप एक निर्दिष्ट मूल्य जमा करके पॉलिसी किए हुए व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी मामलों में, जैसे किसी बीमारी में अस्पताल में दाखिल होना, दवाइयों का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा आदि इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी आपको देती है। दोस्तों यह पॉलिसी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है क्योंकि प्रतिवर्ष हर किसी व्यक्ति की थोड़ी बहुत तबीयत खराब तो होती ही है। ऐसे में यह पॉलिसी कंपनियां एक साल में कुछ रेगुलर चेकअप का भी खर्चा उठाते हैं। आजकल के खाने पीने के कारण तबीयत कब खराब हो जाए कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं। लेकिन दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अपनाने से भी पहले इसके टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। चौथा है दोस्तों वाहन बीमा योजना। दोस्तों अगर आपके पास अपनी कार, मोटरसाइकिल या कोई अन्य वाहन है तो वाहन बीमा योजना या व्हीकल इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी है। इस प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी गाड़ी के दुर्घटना या चोरी हो जाने पर मददगार साबित होते हैं। दोस्तों लेकिन कुछ वाहन बीमा योजना में थर्ड पार्टी पॉलिसी भी की जाती है जिसमें गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर या पैदल चलने वाले लोगों का भी इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इस पॉलिसी का करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यह हमारे घर के मूल्यवान चीजों में से एक यानी कि वाहनों के लिए किया जाता है। आजकल तो छोटे मोटे दुर्घटना होते ही रहते हैं, ऐसे में इन वाहनों पर अधिक खर्चा होता है। अगर आपका वाहन पॉलिसी इंश्योर्ड है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप अपने वाहन के छोटे मोटे क्षति के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाली कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। पांचवा बीमा है दोस्तों घर का बीमा अर्थात होम इंश्योरेंस। दोस्तों घर का बीमा अर्थात होम इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस किया जाता है उसमें
आपके घर के बिल्डिंग का सामान और स्ट्रक्चर के अनुसार पॉलिसी बनाई जाती है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी घर का या घर के सामान दोनों चीज के डैमेज होने पर खर्चा वहन करती है। यह बीमा घर के गिर जाने, कोई दुर्घटना हो जाने, सामान के चोरी हो जाने, सामान के जल जाने या किसी भी ऐसी असुविधा में काम आता है जिसमें घर या अंदर रखे सामान का नुकसान हो गया हो। छठा है दोस्तों यात्रा बीमा, अर्थात ट्रैवल इंश्योरेंस। दोस्तों अगर आपको अकेले या अपने परिवार के साथ कहीं ट्रैवल करना हो तो ऐसे में आपका यात्रा बीमा अर्थात ट्रैवल इंश्योरेंस करना अच्छा साबित हो सकता है। ऐसे में यात्रा में देरी होने या कैंसिल हो जाना या यात्रा के दौरान दुर्घटना हो जाने पर इंश्योरेंस कंपनी हानि हुए रुपयों का वहन करता है। सातवां है दोस्तों फसल बीमा, अर्थात क्रॉप इंश्योरेंस या फार्मर इंश्योरेंस। दोस्तों अगर आप एक किसान हैं तो प्रति वर्ष आपको अपने फसल का बीमा जरूर करवाना चाहिए। मौसम का क्या भरोसा है, बारिश हो भी सकती है या नहीं भी, किंतु अगर आपने अपने फसल का बीमा करवाए हैं तो आप बिना कोई चिंता की खेती कर सकते हैं। अगर बारिश नहीं हुआ या किसी अन्य कारणवश आपका फसल तबाह हो जाए तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी इसके नुकसान की भरपाई करता है। दोस्तों इसके अलावा भी कई तरह के बीमा अर्थात इंश्योरेंस होते हैं जिनके बारे में हम आपको आगे आने वाली वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों चलते चलते एक महत्वपूर्ण जानकारी, दोस्तों कोई भी बीमा या इंश्योरेंस करवाने से पहले बीमा के दस्तावेजों और उसके टर्म और कंडीशन को ध्यान से पढ़िए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नियम और शर्तें लागू हैं, तभी आप किसी भी चीज का इंश्योरेंस करिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना उठाना पड़े। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल पर दिए गए जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।